बहुत मजा आया जी, ठंड भी बड़ी लगी थी, मजा भी बड़ा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बारक अली और आप देख रहे हैं टूर एंटिस्ट। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वक्त हैं हम दरियाए चिनाब पे और आज हमारा प्रोग्राम है मछलियां पकड़ने का। मछलियां पकड़ने के लिए हम दरिया के किनारे पे आए, यहाँ पे हम पकड़ेंगे कांटे के साथ मछलियाँ। तो आइए देखते हैं आज हम कौन कौन सी मछली पकड़ते हैं और कैसे पकड़ते हैं और किस तरह पकड़ी जाती है। क्या ही बात है। तो हमारे साथ यहाँ पे काफी सारे दोस्त हैं जो मछलियाँ पहले भी पकड़ रहे हैं और यहीं पे इनके करीब ही हम भी कांटे जो है वो लगाएंगे और मछलियाँ पकड़ेंगे। जो साथी हमसे पहले आए हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने ये मछलियाँ पकड़ी हुई हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी प्यारी मछलियाँ और तकरीबन 2-2 किलो वजन की हैं। और दरियाई मछली का तो क्या ही कहना है। अभी हम भी शुरू करते हैं तो दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी। इसका शाइन देखे कितना ज्यादा। वैसे तो हमारे साथ आए हैं उस्ताद नवीद और उस्ताद बूटा, ये माहिर शिकारी हैं मछली के, तो हम भी इनकी खिदमत हासिल करेंगे और इनके साथ शुगल जो है वो करेंगे। तो देखते हैं आज हमारा शुगल जो है वो कैसा रहता है। सबसे पहले कांटे तैयार करेंगे जो दरिया में फेंकने हैं। तो एक एक डोरी के साथ कितने कितने कांटे लगाने हैं वो उस्ताद से पूछ लेते हैं। उस्ताद जी कितने कितने लाने जी? डोरी दो दो कांटे लगाने हैं। ज्यादा तो नहीं लगाने, ज्यादा नहीं लगाने, कम भी नहीं करने? नहीं, कम भी नहीं करने। चले ठीक है, एक ऊपर एक नीचे। ये दो कांटे जो हैं वो लगा दिए एक एक डोरी के साथ। इससे आगे क्या होगा वो भी देखते हैं। फिशिंग के लिए जो डोरी है वो बहुत ही स्पेशल है और जापानी किस्म की डोरी है जो कि बहुत ही मजबूत है। देखने में काफी आपको बारीक सी नजर आएगी मगर ये बहुत मजबूत डोरी है। कांटे के साथ लगाए जाते हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थवाम और लोकल नाम में से बोलते हैं गंडोया, और इसके अलावा इसे केचुआ भी कहते हैं। केचुआ जो है वो कांटे के ऊपर लगा ली है। डोरी के साथ कांटे बांधने के बाद केचुए लगा दिए हैं और अभी डोरी जो है वो दरिया के अंदर फेंकेंगे। कांटा पानी में फेंकने से पहले डोरी जो है वो खोल लेंगे और डोरी इस तरह खोलेंगे ताकि आपस में उलझे ना। डोरी दरिया के अंदर फेंक दिया और अभी डोरी को बांध देंगे। ये एक चपटी लगी हुई है। उस्ताद जी इसको क्या कहते हैं जो आपने लगाया? इसको कहते हैं अजीक अड्डा कहते हैं। सही। तो जो मछली लगती है इसको ये वगैरह ऐसे ही खड़कता है तो हमें पता चल जाता है मछली लग गई है। ये एक स्टील की चपटी सी है और इसके साथ ये घुंगरू बांधा हुआ है जिसे आप घंटी भी बोल सकते हैं और इसे इंग्लिश में वार्न स्टैंड भी बोल सकते हैं आप, वैसे अलार्म भी बोल सकते हैं आप इसको। जब मछली डोरी के साथ फंस जाती है तो ये डोरी के हिलने से ये भी हिलता है, और अगर आप दूर हैं या सोए हुए हैं पास या आप किसी और जगह साइड पे मतवज्जो हैं तो ये आपको वार्न कर देगी भाई तैयार हो जाएं। तो हमने भी डोरियाँ जो है वो फेंक दी हैं, अभी देखते हैं कब घंटियाँ जो है वो बजती हैं। कांटे जो है वो दरिया में डाल दिए हैं और अभी बैठने के लिए जगह जो है बनाते हैं। सबसे पहले हम नीचे बिछा लेंगे पॉलीथीन शीटें ताकि रेत से बचा जाए। रेत वैसे चारों तरफ है, रेत से बचा नहीं जा सकता। बैठने के लिए टिकाना जो है वो बना लिया है। हमने जो दरिया में कांटे डाले हैं वो है 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5, और अभी तक किसी की घंटी जो है वो खड़की नहीं है। चटाई बिछाने के बाद कैंप ही लगा लिया है और कैंप लगाने के बाद बाकी जो खाने पीने का साजो सामान है वो भी हम ले आए हैं। मछली के साथ साथ ये जो इंजॉयमेंट है वो भी होगी, तो अभी बाकी चीज़ें जो है वो भी तैयार कर लेते हैं खाने पीने के लिए। तो माशाल्लाह
इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ जो है वो दरिया में से आम पकड़ने को मिल जाती हैं, और इससे बड़ी बड़ी भी होती हैं, इससे छोटी भी मिलती है। रोहू है अलैकुम। रात को हम यहीं पर रहे और काफ़ी जो है यहाँ पर इंजॉय किया, दोस्तों के साथ बैठे गपशप लगाए और यहीं पर सो गए। काफ़ी यहाँ पे जो है औस पड़ी हुई है और ठंड भी काफ़ी थी। ये चादर के साथ पहला एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पे सोने का। इससे पहले हम कहीं भी जाते और रात रहने के लिए हमारा प्रोग्राम होता तो हम साथ लेके जाते स्लीपिंग बैग। पहले तो मुझे रात नींद ही नहीं आई और तकरीबन सुबह 3 के करीब जो है वो मैं आके दोबारा खेमे में लेटा तो फिर नींद आई मुझे, और अभी दोबारा से आँख खुल गई। ठंड यहाँ पे काफ़ी है। आप कभी भी ऐसे एरिया में आए तो अपने साथ बिस्तर ज़रूर लेके आए। जूता जो है वो भी उसके साथ गीला हो चुका है, और अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमने रात भर क्या पकड़ा। रात भर इस अंगीठी का जो है वो भी काफ़ी असर रहा, इसमें एक आध कोयला जो है वो फेंक लेते और तकरीबन आधा घंटा जो है वो उससे गुजार लेते एक कोयले से। और ये हमारी रात भर की मेहनत है। ये दो मछलियाँ, और अभी थोड़ी देर के लिए यहीं पे हैं, देखते हैं कि इस थोड़ी देर में कितनी पकड़ते हैं मछलियाँ। और कुछ कांटे जो है वो दरिया के दरमियान में लगाए थे और कुछ जो है वो दरिया की दूसरी तरफ लगाए थे। अभी उस्ताद नवीद और रियान साहब जा रहे हैं उधर और देख के चेक करके आएंगे कि उन कांटों के साथ भी कोई मछली लगी है या नहीं लगी। तो बिस्मिल्लाह करेंगे अभी। आजा तो बड़ो वे ए आजा आजा इथे ना पानी। हां नहीं नहीं जाओ तुसी। रियान साहब तो घबरा गए हैं जी, ये तो नहीं जा रहे। उस्ताद नवीद साहब अकेले जा रहे हैं। नवीद साहब जो एक कांटा निकाल के लाए हैं उसके ऊपर मछली लगी हुई है, माशाल्लाह काफ़ी बड़ी मछली जो है वो लगी हुई है। और ये मछली जी इस कांटे के साथ जो फंसी हुई थी, माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है, तकरीबन 2 किलो के करीब है। तो माशाल्लाह हम लोग गए हुए थे दरिया की दूसरी साइड पे और वहाँ से मछली एक लेके आए थे, कांटा जो लेके आए, तो आने तक उस्ताद बूटा साहब ने एक और पकड़ लिया। और ये देखें माशाल्लाह दरिया की मछली की चमक जो है वो ही काफ़ी है। हमारे साथी जो यहाँ पे और मछलियाँ पकड़ रहे थे रियान साहब और नवीद साहब, वो दरिया के दूसरे किनारे पर गए हुए कांटे चेक करने के लिए। क्या पकड़ के लाते हैं, आते हैं फिर आपको दिखाते हैं। जो मछली हमने रात भर में पकड़ी है अभी इसको बनाएंगे और सभी दोस्त मिलके नाश्ता करेंगे। सबसे पहले मछली को हम करते हैं साफ। मछली जो है वो काफ़ी स्लिप है, हाथ पे हाथ में टिक नहीं रही है। हमारे साथ जो शिकारी हैं यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए, वो मैंने आपको पहले भी तारफ करवाया था, बूटा साहब है। और मछली हमने तैयार कर ली है काट के, तो बूटा साहब से कहेंगे कि वो हमें बना के दिखाएं कि मछली जो है वो शिकारियों के अंदाज़ में वो किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले वो मछली पे लगा रहे हैं नमक। बूटा साहब नमक लगाने के बाद इसको क्या करेंगे? नमक लगा के इसको एक घंटे बाद धो लेना। मछली को अच्छी तरह धो लिया और अभी मछली को मसाला लगा लेते हैं। और बूटा साहब से हम पूछ लेते हैं कि वो मछली को कौन कौन सा मसाला लगाएंगे। जी बूटा साहब ना सारे मसाला ही घरों तैयार करके लिया, सुखा धनिया अजवाइन लाल मिर्च हल्दी तो चार पाँच
ਐਟਮਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਛਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾਉਣਾ ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਹੇਠ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਦੀ ਮਛਲੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਚਾਰ ਨਿੰਬੂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਟ ਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨਿੰਬੂ ਨਚੋੜਨੇ ਆ, ਨਿੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਕੋਲ ਸਿਰ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਨਿੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਿੰਬੂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦਰਿਆਈ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਫਾਰਮੀ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਰਿਆਈ ਮੱਛੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੈਰੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਭੀ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮਛਲੀ ਕੋ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਸਾਈਡ ਪੇ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਈ ਕਰੋ ਇਹਨੇ। ਘੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਭੀ ਮਛਲੀ ਕੋ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੈਂ। बुढ़ा साहब मछली को कितनी देर के लिए फ्राई करेंगे? इसको हम डबल फ्राई करेंगे, पहले कच्ची पक्की फ्राई करके निकाल लेंगे, जो इसका पानी है वो नीचे चल जाएगा, फिर 10 मिनट बाद से ना इसको फिर फ्राई करेंगे। डबल फ्राई यानी इसको करेंगे? ये हूँ एक बार दफा फ्राई हो गई है, इसको निकाल लेना, इसको निकाल के प्लेट में रख लेंगे। मछली जो है एक दफ़ा हाफ फ्राई कर ली है और अभी थोड़ी देर के बाद इसे दोबारा फ्राई करेंगे, इससे पहले सारी मछली जो है वो एक दफ़ा फ्राई कर लेंगे। हाँ जी, एक दफ़ा फ्राई हो गई है, दूसरी दफ़ा हम कर लगे अभी। फ्राई करने के दरमियान कितना वक्फा होना चाहिए? दूसरी दफ़ा फ्राई करने अद्धे घंटे का वक्फा होना चाहिए। अद्धे घंटे का, यानी कि जी पहले की हूँ कर सकते हैं? हाँ जी वो कर सकते हैं। सारी मछली दोबारा से फ्राई कर ली है और अभी आपको टेस्ट करके बताते हैं कि हमारी आज की ये मछली की रेसिपी कैसी तैयार हुई जो गुप्ता साहब ने तैयार की है, और इसके अलावा हमारा इधर का व्यू जो है वो आपको कैसा लगा वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बूटा साहब ने मछली जो है बहुत ही मज़े की तैयार की, अभी हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि इसका जायका कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी खड़ो जी। तो माशाल्लाह बूटा साहब ने मछली जो है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार की और दरिया की मछली का जायका वो तो लाजवाब है और काफ़ी मज़ेदार मछली जो है वो तैयार हुई। काफ़ी मज़ा आया, यहाँ पे बैठे घूमे, रात यहाँ पे गुजारी और काफ़ी इनके साथ हमने इंजॉय किया। तो शौक साहब से भी पूछ लेते हैं इनको इस मछली का कैसा जायका लगा। माशाल्लाह जी ज़बरदस्त टेस्टी है, और फिर इस तरह खुली फ़जा में बैठ के और दरिया के किनारे बैठ के खाने का और ख़ुद बना के खाने का इन्होंने बना के दी हमें, और बहुत मज़ा आया इस चीज़ का। हाँ जी भाई साहब, दरियाई मछली कैसी लगी? बहुत मज़ा आया जी, ठंड भी बड़ी लगी थी, मज़ा भी बड़ा लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँचे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिएगा, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। सदा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। इस जगह पर हमने अड्डा लगाया हुआ था, यहाँ पर हमने रात गुजारी, तो कोशिश किया करें जाते हुए जो भी आप कचरा वगैरह या गंद वगैरह डालते हैं उसे समेट के जाएं।